शमुएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 21। शमुएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 21। और दाऊद नोब को अहिमलेक याजक के पास आया और अहिमलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहिमलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने के लिए आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूं और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं वह किसी पर प्रकट न होने पाए, और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी वो जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में ले। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकल आया तब तो जवानों के बर्तन पवित्र थे, यद्यपि यात्रा साधारण है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सन्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गर्म रोटी रखी जाए। उसी दिन वहां दोएग नाम शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। फिर दाऊद ने अहिमलेक से पूछा, क्या यहां तेरे पास कोई भाला व तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूं और न अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हां, पलिश्ती गोलियात जिसे तूने एला तराई में घात किया उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे धरी है, यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़, और कोई यहां नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया, और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब वह उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर बौढ़ा अर्थात पागल बन गया, और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार दाढ़ी पर बहने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उनको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा?